हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं कल्पना कौशल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ढेर सारे अमरेलस लिली के प्लांट लगे हुए हैं और उनमें ढेर सारी कलियां आ रही हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं आज अमरेलस लिली की केयर के बारे में कि आप इतने सुंदर और ढेर सारे फूल कैसे ले सकते हैं अपने पौधे से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जितने भी लिली प्लांट होते हैं फ्रेंड, वो सारे ही बल्ब से ही ग्रो होते हैं। तो आप जब भी इनको नर्सरी से परचेज करें तो हमेशा ध्यान रखें कि इनका जो साइज हो वो बड़ा होना चाहिए और बल्ब मैच्योर हो और कहीं से भी डैमेज ना हो। तो इस तरह के अगर बल्ब लगाते हैं तो आपको 8 से 10 हफ्ते में ही फ्लावरिंग मिलना शुरू हो जाती है, नहीं तो छोटे बल्ब से टाइम लगता है। और हम बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। तो आप इसकी जो मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी बेल्डन होनी चाहिए। तो आप उसमें कोकोपीट या रेत मिला सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड, आपने 40% गार्डन सोयल लिया है, 30% आप उसमें गोबर की खाद, तो 30% आप उसमें कोकोपीट या रेत मिला सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। अमरेलस लिली के प्लांट लो मेंटेनेंस होते हैं और काफ़ी हार्डी होते हैं, तो इनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जब इनकी फ्लावरिंग हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी में थोड़ी नमी रहनी चाहिए फ्लावरिंग के समय पर। अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे को सनलाइट की तो बहुत ज़रूरत ही पड़ती है फ्रेंड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनके जो कलर होते हैं और जो पौधा फूल होता है वो काफ़ी जल्दी मुरझा जाता है और कलर भी फेड हो जाते हैं। तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। इससे क्या होता है, फूलों की ब्राइटनेस बनी रहती है और फूल भी हमारा कम से कम 5 से 6 दिन तक खिला रहता है। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय पे ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं और हर स्टॉक में 3 से 4 से 5 कलियाँ आई हैं। हर पौधे में 4 से 5 स्टॉक निकले हुए हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हमारी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप उसमें किस तरह की खाद दे सकते हैं। मैं आपको बताती हूं, मैं तो अपने सारे जितने भी फ्लावर वाले पौधे हैं तो उनमें मैं मस्टर्ड केक और बनाना पील्स ऑरेंज का फर्टिलाइज़र देती हूं घर पे बना के फ्रेंड। तो ये मुझे सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय लगता है क्योंकि कम खर्च में ही हमारे पौधों को ढेर सारी एनर्जी मिल जाती है इस तरह से। तो मैं इस तरह से अपने पौधों को खाद देती हूँ। अमरेलस लिली के बल्ब आप पूरे साल किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन इनका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक होता है। अगर आप अक्टूबर में ही बल्ब लगाते हैं तो आपको इसके फ्लावर 7 से 10 हफ्ते के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। फरवरी से ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगते हैं और जुलाई तक इनकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ तो एक गमले में 4-4 स्टॉक निकले हुए हैं और हर स्टॉक पे 4-4 फूल खिल रहे हैं, तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं ये फूल। लिली प्लांट के जो बल्ब लगाए जाते हैं फ्रेंड, अगर आप एक बल्ब लगा रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से 8 इंच के गमले में एक बल्ब लगा सकते हैं और अगर आप 2 से 3 बल्ब लगा रहे हैं तो आप 9 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बल्ब लगाने से जो हमारे न्यू बेबी प्लांट निकलते हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाता है। तो आप ध्यान दें कि हमेशा छोटे गमले में एक बल्ब लगाएं। अगर आपका बड़ा गमला है तो उसमें आप 2 से 3 बल्ब लगा सकते हैं। लिली प्लांट के बल्ब आप जब भी लगाएं तो सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड डाल कर उसमें आप 2 से 3 घंटे के लिए अपने बल्ब डाल दें फ्रेंड, फिर आप उनको लगाएं। इसलिए कि बल्ब में किसी प्रकार का फंगस ना लगे। और वैसे तो मेरे यहाँ 5 से 6 साल हो गए हैं फ्लावरिंग होते होते, मैंने इस पौधे में किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार के कीट नहीं देखे हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं मेरे। ये कई कलरों में आते हैं और फ्रेंड सेडेड कलर में भी आते हैं जो देखने में भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे इनको परचेज करके लगा सकते हैं।
जब आपके पौधे के फूल सूख जाएं और उसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आप उसको स्टॉक सहित अपने पौधे से हटा दें, ताकि जो आपका पौधा है वो एनर्जी अपने न्यू प्लांट को बनाने में दे। तो आप इसको, इसकी जो स्टॉक हटाने के बाद आप इसको पौधे को किसी भी छायादार जगह पर रख दीजिए, जहाँ पे एक आध घंटे की धूप आती हो फ्रेंड, और पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है। आप 5 से 6 दिन में एक बार ही इसमें पानी दीजिए। तो मैंने आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दी अमरेलिस लिली के बारे में फ्रेंड। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।